बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अफ़गानी पुलाव बनाना सिखाऊंगी। अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मटन, ये 1 किलो मटन है। ओरिजिनली जब अफ़गानी पुलाव बनता है तो इसमें गोश्त ज़रा बड़े पीसीस में चाहिए होता है, लेकिन ये आपकी मर्जी है। बेशक थोड़े छोटे पीसीस गोश्त के रख लीजिएगा ताकि सबको खाने में आसानी रहे। सेला चावल 1 किलो, 2 अदद प्याज स्लाइसिस में कटी हुई, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़रूरत। इसके अलावा अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए एक मसाला आपने पीस कर रखना होगा, जिसमें है काली मिर्चें 9 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, सिर्फ दाने निकाल लीजिएगा, छोटी सब्ज़ इलायची 3 अदद, इसके भी सिर्फ दाने निकाल लीजिएगा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। इन सब चीज़ों को पीस कर रखना है और 1 कप घी। अफगानी पुलाव घी में ही बनता है, लेकिन अगर आपको कोई इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है तो आप तेल में भी बना सकते हैं। और इसके अलावा अलग से हमें 3 अदद गाजरें, जिन्हें पील करके स्लाइस कर लीजिएगा और बिल्कुल बारीक पतली पतली लंबाई में काट लीजिएगा, और थोड़े से बादाम ब्लांच करके छिलका उतार दीजिएगा, और थोड़ी सी किशमिश, और अगर आप इसमें काजू या पिस्ता वगैरह भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ें इसमें ज़रूर होती हैं, 1 किशमिश और दूसरा बादाम, और 2 टेबलस्पून चीनी और 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर चाहिए होगा, और 1 टेबलस्पून घी चाहिए होगा। सबसे पहले आप एक बर्तन में 5 कप पानी डाल लें। और इसमें आप गोश्त डाल दें, और साथ ही आप इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन और नमक डाल दें और अच्छी तरह से मिला लें। और अब आप गोश्त को हल्की आंच पर रखकर इतनी देर तक पकाएं जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और दूसरी तरफ आप ये मसाले पीस कर रख लें, जिसमें है दालचीनी, जीरा, काली मिर्चें, मोटी इलायची के दाने और सब्ज इलायची के दाने। मसाला पीसने के बाद आप इसे साइड पर रख दें। जब गोश्त गल जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और गोश्त को यखनी से अलग कर लें। इसके बाद आप देसी घी गर्म कर लें और इसमें प्याज डालकर इन्हें आप गोल्डन ब्राउन कर लें। और जैसे ही प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएं तो आप इसमें गोश्त डालकर फ्राई कर लें। और इसी दौरान आप चावलों को धोकर भिगो लें। गोश्त को भूनने के बाद आप इसमें यखनी डाल दें और बाकी आप चावलों के हिसाब से पानी डाल दें। और जैसे ही इसमें बॉईल आ जाए तो आप चावलों में से पानी निचोड़ कर आप इसमें चावल डाल दें। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें और नमक भी आप इसी स्टेज पर चेक कर लें।
और जब चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो आप इसमें पिसा हुआ मसाला डाल दें। और अच्छी तरह से मिला लें। और जब चावलों से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आप इसे बिल्कुल हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए दम लगा दें। और दूसरी तरफ आप घी गरम कर लें। जब घी गरम हो जाए तो आप इसमें गाजरें डालकर हल्की आंच पर फ्राई कर लें। गाजरों को हल्की आंच पर रखकर भूनने के बाद आप इसमें डाल दें चीनी, पिसी हुई इलायची और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और साथ ही आप डाल दें बादाम और किशमिश। और इन्हें भी आप थोड़ा सा भून लें। और जब ये अच्छा सा फ्राई हो जाए तो आप इन्हें चूल्हे से उतार लें और साइड पर रख दें। दूसरी तरफ चावल तैयार हो चुके हैं, अब इनका दम खोल लूंगी मैं। और अब इन्हें मैं अच्छी तरह से मिलाकर सर्विंग डिश में निकाल लूंगी। और ऊपर आप ये बादाम, गाजरें और किशमिश डाल दें। लीजिए, अफगानी पुलाव तैयार है, जरूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हों ने बयान किया कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क सिर्फ दो शख्सों पर हो सकता है, एक वो जिसे अल्लाह ने कुरान दिया है और वो इसे दिन रात पढ़ता रहता है और इस पर सुनने वाला कहे कि अगर मुझे भी इसका ऐसा ही इल्म होता जैसा कि इस शख्स को दिया गया है तो मैं भी इसी तरह करता जैसा कि ये करता है, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया है और वो इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो देखने वाला कहे कि अगर मुझे भी इतना दिया जाता जैसे इसे दिया गया है तो मैं भी इस तरह करता जैसा कि ये कर रहा है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।